एचपी का प्रिंटर है, एचपी लेजरजेट MFP136NW ये प्रिंटर है, आप देख सकते हो ये प्रिंटर है। ये प्रिंटर है, मैंने न्यू टोनर डाला फिर भी टोनर डिटेक्ट नहीं हो रहा है। देखो ये रेड लाइट जल रही है, यहाँ पे देखो एमटी, ये देखो प्रिंटर रेडी पे बताता है अभी, बट ये रेड लाइट है, यहाँ पे ग्रीन लाइट होना चाहिए पर ये ग्रीन लाइट आती नहीं है। देखो कॉपी मार दिया फिर भी देखो नॉट अवेलेबल लेटर, यानी टोनर का इश्यू बता रहा है, टोनर का एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। देख सकते ये टोनर है जो डिटेक्ट नहीं हो रहा है, इसको रखते साइड में। देख सकते हैं यहाँ पे ये सॉकेट जो टूटा हुआ है यहाँ से, अर्थिंग मे बी, चलो एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं क्या होता है जेट। देख सकते ये प्रिंटर है, ये प्रिंटर है इसका, यहाँ पे ओपन करना है पहले इसको, ये वाला स्क्रू है और यहाँ पे एक मेटल का स्क्रू है। और यहाँ पे एक सकते हैं, यहाँ पे बर क्या लगाना है, स्क्रू ड्राइवर लगाना है यहाँ पे, शेयर खुल जाए, यहाँ से थोड़ा करना है जहाँ से निकल जाए। ये है निकल गया वन साइड, ये भी निकलना है वैसे ही सेम निकलना है, यहाँ से पुश करके और यहाँ से थोड़ा पुश करना है, एरो दिया यहाँ से, निकल गया। यहाँ से की कनेक्शन निकालना है, रिमूव करना है, खोलने में इजी हो जाए, जैसे देख सकते हो इसको ओपन करना है, यहाँ पे एक इंजिस है जिसे रिमूव करना है, निकालना है यहाँ से, इसका पीछे के साइड थोड़ा लॉक दिया है, वो लॉक को प्रेस करना है यहाँ से, अंगूठे से प्रेस करके इसको पीछे पुश करें, देखो आ गया ये निकल गया, ओके देन कनेक्शन वो खींच लेना ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से टूट ना जाए, ओके दोनों भी निकल गए, इसको निकल गई ये इजीली। इंजिस भी निकाल के साइड में रखते हैं, यहाँ पे दो स्क्रू है, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, थोड़ा ऊपर हो जाएगा ये निकल गया पीछे का, हमें ये पावर सप्लाई निकालना है जो मे बी है वो उसके ऊपर है, उसको ही चेक करना है एक बार, उसको पहले लॉजिक बोर्ड के चारों कनेक्शन निकाल देते हैं,
एक चार स्क्रू है, कनेक्शन ये भी रिमूव करना है। ये इसका लॉजिक बोर्ड है, फॉर्मेटर कार्ड जो भी कहते हैं। इसके बाद ये सब बॉडी वॉडी सब निकालना है हमें, जितना हो सके इतना इजीली करना है काम। ये सब स्क्रू खोलने की क्लिक करके इस कारण मैं बोर्ड इजीली निकल जाए। ये कनेक्शन भी रिमूव करना है जो फ्यूज़र का है, उस करते साइड में। ऐसा निकलना है कोई फर्स्ट न जाए। ओके, ये अपना बोर्ड निकल गया। ये इसके नीचे अर्थिंग है सब, उसको एक तो साइड में जो अपने को रिपेयर करना ये है। देख सकते हैं यहाँ पे डैमेज है, एक ये साइड डैमेज है, तो ये लगाना है यहाँ पे। इसको शोल्डिंग करके निकाल के सब कुछ लगाना है रिटर्न, देख सकते हैं। ओके, ये और ये जो इसका लगाने वाले हो चिप नया लाया है, देख सकते हैं। ये नया चिप है जो उसको लगाना है, तो मैं देख चेक कर रहा था आपको। ये देख सकते हैं, ये जो है ये नया लगाना है, और ये ओल्ड है जो अभी निकालना है अपने को। अब देख सकते हो इसको पहले रिमूव करना है। पहले ये शोल्डर हटाते हैं इसका जो कनेक्शन के लिए किया है। क्लिप है जिससे पुश करना है, निकलेगा नहीं। इसे दबा के रखता हूँ, इससे इस कारण जल्दी निकल जाए। आई होप कि निकल गया जल्दी। देख सकते हो ये है ओल्ड वाला, ये जो नया लगाना है वो। ये जगह साफ कर लेते हैं पहले। तो साफ करके ये नया अटैच करते हैं यहाँ पे, यहाँ देखना है कोई टच ना हो एक दूसरे को। और इजीली बैठा देना है ये।
देख सकते हो दोनों भी, ये डैमेज है वाला है, ये डैमेज वाला है, और ये अच्छा वाला है, ये अच्छा वाला है जो अभी ये लगाना है। फिर तो साइड में इसको लगाते हैं, तो अभी लगाते इसको शोल्डिंग वायर। इसको ऐसा टच करके रखना है यहाँ पे शोल्डिंग वायर, डर नहीं रहा। देख सकते हैं अटैच हो चुका है क्लियरली फाइनली। ओके देख सकते हो अटैच हो चुका है। ठीक है, इसको एक बार लगाते हैं प्रिंटर में और चेक करते हैं, अन करते हैं बंद। इसको लगाते हैं बोर्ड को इसके अंदर एक बार। ये थोड़ा लग गया, अभी स्क्रोल अप फिट करते हैं, पहले अपना काम तुरंत हो जाए, आशा करता हूँ कि जल्दी काम हो जाए, काम बढ़े ना। ये स्क्रो फिट, एम वाले स्क्रू लगाते हैं बड़े आएंगे। ये कनेक्शन लगा पहले, सुकर अपना काम जल्दी हो जाए। बाद में ये लगाना है तो यहाँ पे अटैच हो जाए, ये लगा देना है। यहाँ पे स्क्रू है तो एक स्पिट, यहाँ पे एक स्क्रू, उसके बाद ये मेटल की बॉडी है इसे फिट करनी है। ऐसी पोजीशन है उसकी,
डायरेक्ट स्क्रॉल, ये फॉर्मेटर बोर्ड है जो यहाँ पे लगाना है, ये लॉजिक बोर्ड होते हैं। वेट स्क्रू मिसिंग दिस वन, फिक्स टू स्क्रू एंड इसको सही से लगाना है। कनेक्शन यहाँ पे और यहाँ पे स्क्रू है, यहाँ पे लास्ट स्क्रू, ये चार स्क्रू फिट कर देना है, को कनेक्शन लगा देना है बाद में, जैसे आपको इजी हो वैसा करना है, मैं बोलूँ वैसे ही फॉलो करना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अरे कनेक्शन कर लें, ओके, इजी टू फिक्स। और इसको लगाना है जैसे निकाला था वैसे ही लगाना है। पहले चार स्क्रू फिक्स करते हैं, यहाँ पे लगा देता हूँ फिलहाल, और एक यहाँ से फिर लगाते स्क्रू अंदर के साइड से। इसको इजीली ऐसे रखना है, दूसरी साइड खींचना है, तो कनेक्शन जहाँ से निकलते हैं अंदर वहाँ पे डालना है, लास्ट में ये कनेक्शन करना है दो, एक ऊपर से आते जो सीसीडी के हैं और कंट्रोल पैनल का ये केबल, और ये सीसीडी की केबल है, इसमें लगानी है हमें।
शायद भाव खा रही केबल भी आज। ओके ये अपना प्रिंटर करते हैं चालू। क्या बता रहा है, सिस्टम इनिशियलाइज। ओके सपोज ये टोनर नहीं बता रहा है, टोनर नहीं है इसके अंदर। ओके इसमें पहले टोनर डालते हैं और चेक करते हैं। टोनर लेते हैं, ये लगाया वो सही से अंदर बैठ गया, देख सकते हैं। ओके अब इसमें टोनर इंसर्ट करते हैं ये वाला। ओके इसको क्लोज, देन क्लोज ना। वार्मिंग अप इनिशियलाइज हो गया, प्रिंटर इनिशियलाइज हो रहा है। ओके पेपर देख सकते हो दोस्तों, प्रिंटर अपना चालू हो गया। ये रेड लाइट आ रही थी, ब्लिंक हो रही थी, अभी वो चली गई है। प्रिंटर अपना रेडी पे आ चुका है, प्रिंट आउट लेके देखते हैं। सिस्टम में जाके रिकॉल रिपोर्ट है, रिपोर्ट में जाना है, जो भी कॉन्फिगरेशन या कुछ भी डेमो प्रिंट निकालना है वो निकाल सकते हो यहाँ से। अपना प्रिंटर पेपर ले चुका है। ओके प्रिंटर आ चुका है, देखो फाइनल प्रिंटर अपना रेडी हो चुका है। थैंक यू दिस वॉचिंग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे।